नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजीव जागा ब्लॉक में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ VG40 विटामिन टेस्ट कर रहे हैं विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का। वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा इस टेस्ट का। तो आप देखते रहिए वीडियो आगे मेरा। दोस्तों विटामिन है हमारा VG40, इसको हम हॉट प्लेट पर गर्म कर रहे हैं और इसका स्टैंडर्ड है 90 से 135 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है हॉट प्लेट पर। उसके बाद में हमारी जो ट्यूब होती है उस पर इसको भरते हैं, कास्टिंग करते हैं। हाँ, कीप के द्वारा 15 से 20 ग्राम। ये हमारा डिजिटल ओवन है। ट्यूब को मैं भरने के बाद में 10 प्लस माइनस 2 वो इसमें रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये दोस्तों ट्यूब को अंदर रख दिया है हमने विस्कोसिटी बाथ में। 60 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कर रहे हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर, प्लस माइनस 5.5। देखिए ट्यूब भी अंदर रखा हुआ है, आधा घंटे का टाइम है इसका। आधा घंटे बाद में हम टेस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी और इसका कैलिब्रेशन जो हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे बाद में। ये हमारा डिजिटल वॉच है, ये 60 डिग्री टेम्परेचर है और ये ट्यूब पे प्रेशर लग रहा है। हम अभी इधर आएगा प्रेशर ऊपर, अब चालू करेंगे डिजिटल वॉच को। वैक्यूम प्रेशर है, मिडल है, अब 300 पे लग रहा है वैक्यूम, ऐसे वैक्यूम हो रहा है। और ये ऊपर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए टाइमर चल रहा है, सेकंड नोट कर लेंगे कितने सेकंड में ये आ रहा है। फर्स्ट ट्यूब में, फिर सेकंड ट्यूब में, बी ट्यूब और सी ट्यूब। बी ट्यूब के लिए अलग कैलिब्रेशन है इसका, सी ट्यूब के लिए अलग से है। फाइनली दोस्तों टेस्ट होने के बाद में ये ट्यूब निकाल रहे हैं सफाई करने के लिए। तो हम बता देते हैं, आपको बताया नहीं है पहले। ये हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक नोट करते हैं। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये 58 सेकंड में आया था इसका बनने में, फील होने में। दूसरे ट्यूब के लिए हमारे 2 मिनट और 55 सेकंड आए थे, तो हम मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको। ये हमारा ट्यूब का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेटर है, 13 नंबर ट्यूब है और ये हम उसके बाद में बताएंगे आपको कैलकुलेशन में। जैसे दोस्तों कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ट्यूब कास्टिंग का टाइम है 1:45 पे हमने कास्ट किया था, फिर उसको ओवन में रख दिया इसको 10 मिनट के लिए 90 से 135 डिग्री टेम्परेचर के मोर देन। उसके बाद विस्कोसिटी बाथ में हमने 2:25 पे, विस्कोसिटी बाथ टाइम है 2:25 का, ये टेस्टिंग टाइम आ गया दोस्तों। फिर हमने टेस्ट किए थे, आपको बताया था कि 58 सेकंड हमारा फर्स्ट ट्यूब के आया था, सेकंड के 175 सेकंड मतलब ये आया था 2 मिनट और 55 सेकंड का टाइम है इसका। और ये हमारा कैलिब्रेट ट्यूब का कैलिब्रेट है, फर्स्ट ट्यूब का कैलिब्रेट 60.8686 और सेकंड के लिए है 20.00 91। तो जो भी हमारे जो सेकंड आते हैं उनको उनका इस फैक्टर से, करेक्शन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करके आपकी विस्कोसिटी जो है आई है वो हम इसको लिख दिए है। मैं लिख रहा हूँ इसमें आपका कैलकुलेशन करके, अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये देखिए से 175 है इंटू 20.00 91, तो ये हमारा आ रहा है 3502। तो 3502 में यहाँ लिख दे रहा हूँ 3502, इन दोनों को जोड़ के ऐड करके, जैसे अभी ऐड कर देता हूँ मैं इनको, 3530 प्लस 3502 ऐड करने के बाद में हमारा आ रहा है 7032।
डिवाइड बाई टू, इनको दोनों को डिवाइड बाई टू से करके ये हमारा 3516 पॉइस, ये इसकी यूनिट होती है दोस्तों बिटमिन विस्कोसिटी की पॉइस में। ये हमारा 3516 है। अब ये हमारा 3516 आया है तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है बी जी 40 हम यूज में ले रहे हैं उसका है, हमारा स्टैंडर्ड है 3200 से 4800 पॉइस होना चाहिए। तो अभी हमारा आ रहा है 3500, इसका मतलब हमारा बिटुमिन की जो विस्कोसिटी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, वो हमारी सही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। आगे हम आपको इसी तरीके से आगे भी टेस्ट के बारे में बताएंगे इसी ब्लॉक में, संजीव जागा ब्लॉक में। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू सो मच।